अब तक आपने कार रेसिंग में कई महंगी और कीमती कारों को देश सहित दुनिया भर में देखा होगा, जहां प्रतिभागी कार रेस जीतने के लिए मुंहमांगे दाम में खरीदता है। लेकिन इंदौर के श्री गोविंदराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान यानी SGSITS कॉलेज के छात्रों ने पुराने कलपुर्जों की मदद से महज 3.5 लाख रुपए खर्च कर रेसिंग कार बनाई है, जिसे लेकर वो नोएडा में होने वाली सुप्रा SAE इंडिया के कॉम्पिटिशन में भाग लेंगे। 25 लोगों की मेहनत से बनी ये कार पर्यावरण को ध्यान में रखकर बनाई गई है। जहां इंदौर में स्वच्छता को लेकर मील के पत्थर के समान काम किया है, तो वहीं इंदौर से शुरू हुई कई मोबाइल एप्लीकेशन भी पूरे भारत में अपना दबदबा बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में इंदौर में पढ़ने वाले इंजीनियरिंग के छात्रों ने कई महीनों से मेहनत की और महज 3.5 लाख की लागत से एक रेसिंग कार तैयार की है। वहीं 25 लोगों की अथक मेहनत से बनी इस कार को 22 अगस्त से नोएडा में होने जा रहे सुप्रा फॉर्मूला कार रेसिंग कॉम्पिटिशन में उतारा जाएगा। वहीं इस कार में प्रदूषण को कम करने के लिए खास टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जिससे धुएं के कारण पर्यावरण को नुकसान नहीं होगा। गौरतलब है कि नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल ट्रैक पर होने वाले इस कॉम्पिटिशन में देश भर की 100 से ज़्यादा टीमें हिस्सा ले रही है, जिनसे सीधा मुकाबला इंदौर के स्टूडेंट द्वारा 3.5 लाख की लागत से बनी कार से होगा। वहीं इस कार को बनाने वाले इंजीनियर का कहना है कि उनकी टीम ने इस कार को बनाने के लिए 7,20,000 का बजट तय किया था, लेकिन कम फंडिंग के कारण उन्होंने पुरानी कारों के पुर्जे निकाल कर इस कार को पूरा किया है, जिसके बाद ये कार इस बजट से आधे से भी कम कीमत में बन गई है। वहीं अब आगे के कॉम्पिटिशन में इस कार को और ज़्यादा आधुनिक बनाने के लिए उन्हें फंड की ज़रूरत है, जिसको लेकर वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारी कार 25 लोगों की हमारी टीम है। ये हमारी एक रेसिंग कार है जिसको हम फॉर्मूला भारत में ले जा चुके हैं इसको, और सुप्रा एसी इंडिया के लिए इसको तैयार कर रहे हैं। हमारी कार की लागत हमने बजट बनाया था 7.20 लाख का, लेकिन इसको 3.5 लाख में हमने कंप्लीट कर दिया था थोड़ी बजट की कमी के कारण। लेकिन हमने इसमें कोई ऐसी कमी नहीं रखी है, सारी लगभग हर पार्ट हमने यहीं पर, ये हमारी वर्कशॉप है, हमने यहीं पर हर एक पार्ट को क्रिएट किया है, बनाया है और मैन्युफैक्चर भी किया है और डिज़ाइन भी किया है। हमको 9 महीने लगे थे पूरी कार को डिज़ाइन के साथ में मैन्युफैक्चर करने में, और यहीं पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमने यहीं पे पूरी की पूरी बनाई है। सर, जैसे कि आप लोगों की 25 टीम है, इसके अंदर कुछ फैकल्टीज ने भी आपको गाइड किया है? जी जी, हमारी 25 लोगों की टीम के बाद में हमारे फैकल्टी एडवाइजर्स है। फैकल्टी एडवाइजर डॉक्टर सचिन बलसारा है, डॉक्टर गिरीश टकार हैं, डॉक्टर विनोद पारे हैं, ये हमारे फैकल्टी एडवाइजर्स हैं। इनका काफ़ी सपोर्ट रहता है और काफ़ी ज़्यादा ये हमको पहली बात तो हमको अपॉर्चुनिटी देने के लिए उनको काफ़ी ज़्यादा, मतलब हम काफ़ी। आप एक कंपटीशन में भी जाने वाले हैं, कौन सा कंपटीशन है और कब जाने वाले हैं? जी, हम सुप्रा एसी इंडिया 2022 में जाने वाले हैं। ये कंपटीशन 22 अगस्त से 26 अगस्त के बीच बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट नोएडा में होने वाली है। क्या खासियत रहेगी जो आपने जो गाड़ी बनाई है? सर, खासियत तो यही है कि इसमें हमने सबसे पहली बात तो लागत हमने बहुत कम रखी है, मतलब कम से कम लागत में हमने एक पूरी की पूरी गाड़ी बनाई है। हम मतलब चाह रहे हैं कि और लोग हमको सपोर्ट करें, जिससे हम और ज़्यादा अच्छा कंपटीशन से रिजल्ट ला सकें। और खासियत, बहुत सारी खासियत है, जैसे हमने एग्जॉस्ट में कैटलिटिक कन्वर्टर वगैरह लगाया है, जिससे पॉल्यूशन कम रहता है डिस्पाइट ये एक परफॉर्मेंस व्हीकल है। जी, मेरा नाम दिव्यांशु पारेख है, मैं 3rd ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट। गौरतलब है कि नोएडा के बुद्धा इंटरनेशनल ट्रैक पर होने वाले इस कॉम्पिटिशन में देश भर की 100 से ज़्यादा टीमें हिस्सा ले रही है, जिनसे सीधा मुकाबला इंदौर के स्टूडेंट द्वारा 3.5 लाख की लागत से बनी कार से होगा। इंदौर से अंशुल मुकाती की रिपोर्ट।